सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बताएं सर आउटलुक और अपडेट। हाँ गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो आउटलुक तो ये है कि मुझे लगता है ओमिक्रॉन सिर्फ इंडिया में आया है, बाकी तो विदेशों में तो है ही नहीं। तो ये मौका है लेने का। आपको कहा है कि मुझे बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा बुलिश हूँ और बैंक्स में जो अंडर परफॉर्मेंस है वो खत्म होने को आ रही है। अक्यूमुलेट गुड बैंक्स, अक्यूमुलेट रियल इस्टेट, अक्यूमुलेट मेटल्स। तो मैं अभी भी सोचता हूँ मार्केट्स आर ओवरसोल्ड और एफआई सेलिंग इज मोर और लेस डन विद। अब यहाँ से यू शुड सी स्ट्रॉन्ग बाउट्स ऑफ बाइंग। तो मैंने कल आपको अपडेट दे दूं, कल मैंने क्लोजिंग मेल में एचडीएफसी बैंक कहा था और गोदरेज प्रॉपर्टी। एचडीएफसी बैंक 1575 का टारगेट है, कायम है। 1505-10 में आपको कहा था और गोदरेज प्रॉपर्टी मेरा टॉप पिक आज भी है। आप आज उनकी न्यूज पढ़िए, उन्होंने दिल्ली में कनॉट प्लेस के लिए टाई अप किया है जो सबसे बड़ा मनी स्पिनर होएगा। कनॉट प्लेसेस आपको तो दिल्ली भी ध्यान है, सबसे सेंट्रल प्लेस है। और जो ये टाई अप है ये मेरे को लगता है री रेट कर सकता है गोदरेज प्रॉपर्टी, क्योंकि एनसीआर में नाउ दे आर एज बिग एज द बिगेस्ट प्लेयर। 1975 में लीजिए स्टॉप लॉस ऑफ 1940, टारगेट ऑफ 2075। और दूसरा बैंक है फेडरल बैंक, 89 में लीजिए स्टॉप लॉस ऑफ 87.25, टारगेट ऑफ 93। ओके, तो दो स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी करने की राय है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये है पहला स्टॉक जहां पर 1975 के आसपास करनी है आपको खरीदारी, और यहां पर लगाना है 1940 का स्टॉप लॉस, 2075 होगा आपका टारगेट। और साथ ही साथ फेडरल बैंक, ये ऑल टाइम फेवरेट है बसिन साहब का, यहां पर फिर से 89 रुपीज के आसपास खरीदारी कीजिए। 87.25 रुपए 87.25 का स्टॉप लॉस रखिए, 93.93 रुपए के टारगेट के साथ यहां पर करनी है आपको खरीदारी। तो दो बेहतरीन पिक बसिन साहब की तरफ से खरीदारी के लिए आती हुई आपके लिए आज के सेशन में। धन्यवाद बसिन साहब ये दो बेहतरीन पिक्स देने के लिए।